हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टू द पॉइंट सेक्शन में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या और विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICPD कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा कि हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट है, उस यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक पॉपुलेशन पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, जिसे यूपी ड्राफ्ट पॉपुलेशन ड्राफ्ट पॉलिसी या बिल 2021 कहा गया है। ये अभी बिल के फॉर्म में है। इसके रूल्स रेगुलेशन अभी बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें दो बच्चों की जो है वो शर्त रखी गई है, और दो बच्चों से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति के बच्चे होते हैं तो उसमें उनको जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है उससे दूर रखा जाएगा, और गवर्नमेंट जॉब्स भी उन्हें नहीं मिल पाएंगी। तो इस प्रकार का प्रावधान इसमें करा गया है, और गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग होंगे वो ही लोग शामिल होंगे जिनके दो बच्चे होंगे। इस प्रकार के कई अन्य प्रावधान हैं, तो उसी को लेकर चर्चा अभी गर्म थी कि ये इस प्रकार की जो पॉलिसी है वो दबाव की पॉलिसी किस प्रकार कारगर होती है। और काफ़ी जो इस जानकार इस क्षेत्र के जानकार लोग हैं, उन्होंने यही कहा है कि इस प्रकार की जो दबाव की पॉलिसी है वो कभी भी कारगर नहीं होती है। अगर हम काफ़ी समय से जिन देशों में यह पॉलिसी चल रही है उन देशों की बात करें, तो उनमें चाइना सबसे आगे आता है, और जापान भी इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाने वाला देश है। चाइना ने हाल ही में जो अपने एक बच्चे वाली पॉलिसी थी उसे कैंसिल करके दो बच्चे अलाउ किए हैं, और जल्द ही वो इस लॉ को जो है वो मैंडेटरी करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो दो बच्चे हैं वहाँ पर हर कपल के लिए जरूरी होंगे। इस प्रकार का नियम वहाँ पे बनाया जा रहा है। जापान में भी इसी प्रकार की स्थिति है, जहाँ पर अभी बच्चों को ज़्यादा नंबर बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की पॉलिसी वहाँ पे अपनाई जा रही है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि दबाव की जो रणनीति है उस रणनीति में इस प्रकार की पॉलिसी है वो फिट नहीं होती है, और जो लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है। तो इसके जो विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना पक्ष रखा था, उन्होंने यही कहा था कि इस प्रकार की दबाव की जो रणनीति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं अपनाएगी, और दबाव की रणनीति से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और फैमिली जो प्लानिंग का उद्देश्य है उनका है उसके लिए कभी कार्य नहीं करेगी। तो उन्होंने साथ में यही कहा था कि जो ICPD के जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है, और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके फैमिली प्लानिंग की जो कार्रवाई है वो आजकल की जा रही है। तो इस प्रकार की बात जो है वो अभी चर्चा में है। तो उसी को लेकर आज का टू द पॉइंट का हमारा सेक्शन है, जिसमें जनसंख्या और जो विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे ICPD कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, और इसके क्या जो कर्तव्य और जो क्या कार्य हैं इसके मुख्य, और ये किस प्रकार कार्य करता है, उन सारी चीज़ों को इस आज के वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ICPD का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार जिसे ICPD कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे जनसंख्या और विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 से 13 सितंबर का एक सम्मेलन 1994 में मिस्र के कायदा क्षेत्र में हुआ था, उस कायदा क्षेत्र में इस जनसंख्या और विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समन्वय किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है उसके लिए एक संचालन का दस्तावेज बन गया है। इसका अर्थ यह है कि जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है उसका जो ऑथराइजेशन है, उसके जो फंड का जो रिलीज है, उस फंड के रिलीज के लिए ये डॉक्यूमेंट है वो अहम रोल अपनाता है। और ICPD के जो गाइडलाइन फॉलो करने वाले जो कंट्री हैं उन कंट्रीज़ को जो ये एड है या जो फंड है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये इसके लिए एक संचालन का दस्तावेज बन गया है। इसके अलावा विभिन्न सरकारों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, गैर सरकारी संगठन, मीडिया के लगभग 20,000 प्रतिनिधियों और विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर चर्चा के लिए इसमें एकत्रित हुए थे। इसमें चर्चा में जो मुख्य विषय थे उसमें शिशु मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण, परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा और असुरक्षित गर्भपात से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के कई मुद्दे हैं जिन पर इसमें डिस्कशन किया गया था, और रूल भी बनाया गया है। इसमें प्रजनन अधिकारों के दावों के संबंध में जो विवाद हुआ था उसमें काफ़ी मीडिया में यह रहा था। ICPD, आपको ध्यान होगा कि
इसके द्वारा जो एक क्लॉज उठाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो अबॉर्शन का जो राइट होता है वो एक वुमेन के पास में होना चाहिए, इसे लॉ में नहीं जोड़ना चाहिए। वुमेन को एक अधिकार होना चाहिए कि वो अपने बच्चे का जो है अबॉर्शन करवा सके, लेकिन जो कई देश हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि अगर अबॉर्शन अगर एक स्त्री के हाथ में होगा तो इस प्रकार जो गर्ल फर्टिसाइड की जो मृत्यु होती है, गर्ल भ्रूण का जो अपनी जिस तरीके से उनके साथ में ट्रीटमेंट होता है उसका वो और भी बढ़ जाएगा और इस प्रकार जो लड़कियों की स्थिति है वो समाज में और भी खराब हो जाएगी। तो इस कारण से यह विवाद उत्पन्न हुआ था जिसके कारण ये काफी मीडिया में चर्चा में रहा था। तो आइए समझते हैं कि आईसीपीडी के जो मुख्य लक्ष्य हैं वो क्या-क्या हैं। दोस्तों इसके लक्ष्यों में जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है उसमें सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य है जिसमें 2015 तक सभी देशों को सार्वभौमिक जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन है उसे माध्यमिक और उसे पहुंचाना है और माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक जो तकनीकी प्रशिक्षण है उसको भी महिलाओं तक पहुंचाना इस देश के लिए पहुंचाने के लिए सभी देशों से आग्रह किया गया है। इसके साथ ही जो शिशु और बाल मृत्यु दर है उसमें कमी लाने की बात भी इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें की गई है। देशों को लगभग 2000 तक जो है वो इस मृत्यु दर को 50 से 70 तक कम करने की बात की गई थी जो कि सभी देशों में अभी 35 वर्ष के नीचे की दर हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अभी जो हमारे देश में जो ये स्थिति है उसमें 45 की स्थिति बनी हुई है, मृत्यु दर 45 प्रति 1000 से कम है। तो ऐसी स्थिति अभी देखने को मिली है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर जो है उसमें कमी लाने की भी बात की है जिसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजन सहित प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सेवाओं तक भी इसकी पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। परिवार नियोजन का परामर्श, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल, बांझपन की रोकथाम और उचित उपचार, गर्भपात की रोकथाम, गर्भपात के परिणामों का प्रबंधन, प्रजनन पथ के संक्रमण का उपचार, यौन संचारित रोग व अन्य प्रजनन शर्तों और उनकी शिक्षा और परामर्श आदि की सुविधा प्रदान करना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ICPD 25 का जो एक सम्मेलन हाल ही में हुआ था वो नैरोबी में रखा गया था। एकदम लेटेस्ट सम्मेलन है ये जो वर्ष 2019 में अभी हुआ है। इसमें नैरोबी में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ये जनसंख्या और विकास का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था उसके 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह रखा गया था जिसे ICPD 25 के नाम से जाना गया था। और इसमें केन्या, डेनमार्क और UNFPA जो है फंड उसके सम्मिलित प्रयासों से इसे इसका आयोजन किया गया था। यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की खोज में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें कर्तव्यवाहक नागरिक समाज संगठन, निजी क्षेत्र के संगठन, महिला समूह, युवा नेटवर्क और विश्वास आधार संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं और कई ऐसे संगठन हैं जो पहले से ही इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार जो ICPD है वो अभी कार्य कर रहा है। ICPD का जो काम है वो जनसंख्या नियंत्रण और फैमिली प्लानिंग है उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। तो इस प्रकार का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और सभी जो देश हैं उनको गाइडलाइन भी दी जा रही है और उनसे आग्रह भी किया जा रहा है कि इस प्रकार के जो लक्ष्य हैं वो उन्हें हासिल करें और अपने देश का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे लेवल पर करें। इसमें UNFPA जो फंड है उसने भी इसकी गाइडलाइन को अपने एक मेन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया। तो आइए समझते हैं कि UNFPA जो है वो क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है उसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कहा जाता है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसमें वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन वर्ष 1969 है 1969 में किया गया था। वर्ष 1987 में इसे एक आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया था और इसका संक्षिप्त नाम UNFP है, जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष। इसके अलावा UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। इसमें UNFPA की पूरी तरह से जो अनुदान होता है वो सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों
और जो वैयक्तिक स्वैच्छिक संदान होता है उसके द्वारा ही आता है। संयुक्त राष्ट्र के जो बजट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। डोनेशन के रूप में ही जो इसका जो फंड है वो सारा इकट्ठा होता है, और संयुक्त राष्ट्र इसमें कोई फंड के रूप में अपना जो कोई हिस्सा इसे नहीं देता है। UNFPA प्रत्यक्ष रूप से जो स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य जो है तीसरा, चौथा और पांचवा है, जिसमें तीसरे पर सतत विकास का लक्ष्य है, शिक्षा का लक्ष्य है और लिंग समानता का लक्ष्य है पांचवें नंबर पे। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे हम कहा जाता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसके संबंध में कार्य भी इसमें किया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स में। ये देखते हैं भारत में इस यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की क्या स्थिति है। दोस्तों, भारत में जो इसकी उपस्थिति है वो 1974 से है। UNFPA एक ऐसा मिशन है जो प्रत्येक गर्भावस्था मनचाही हो उसकी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो, प्रत्येक युवा की जो प्रतिभा है उसका पूर्ण रूप से विकास हो, इस प्रकार का ध्येय रख के UNFPA भारत में कार्य कर रहा है। और इसमें ICPD जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसमें 2015 के उपरांत जो विकास एजेंडा और सतत कार्य लक्ष्यों के लिए जो वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग यह कार्य करता है। और भारत में जो चार प्रमुख रास्ते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिसमें किशोरों और युवाओं को विशेष लाचार और हाशिए पर जीते लोगों में निवेश करना है, और परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए समन्वित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सूचना और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कराना है। इसके अलावा जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसमें ग्रस्त शिशु सेक्स चयन की जो प्रथा है उसे समाप्त करना है। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि की जो संख्या बढ़ने के उभरते मुद्दे हैं उसका समाधान खोजना है, और जनसंख्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए डाटा का उपयोग करना है। मेन मुख्य रूप से जो UNFPA है वो सरकारों और प्रबुद्ध समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों, चिकित्सा समुदाय, मीडिया, न्यायपालिका और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वयं संविधाओं समुदायों जैसे विधिक हितधारकों के साथ व्यापक रूप से सहयोग में कार्य करता है। जो इसके मेन ऑफिस हैं वो देखिए कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। एक तो नई दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है और बिहार में है। तो ये जो मेन ऑफिस है इनकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो UNFPA का जो फोकस का एरिया है वो परिवार नियोजन सहित जो प्रजनन स्वास्थ्य है, किशोर प्रजनन, यौन स्वास्थ्य और जेंडर के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना, और लिंग के आधार पर जो शिशु का सेक्स चयन होता है उसे रोकना, और जनसंख्या और विकास इस प्रकार की गतिविधियों को अमल में लाना UNFPA का जो मुख्य फोकस है। तो इस प्रकार जो है ICPD है और UNFPA हाँ वो कुल दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ICPD की गाइडलाइन प्रत्येक देश को फॉलो करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही UNFPA है वो अपना फंड प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार ये फैमिली प्लानिंग और जो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे सब्जेक्ट्स पर ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ICPD के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के टू द पॉइंट सेक्शन में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से जुड़े अगर आपके पास में कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो उसे भी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।